दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज अपना पहला ओडीआई मुकाबला खेल रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 297 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य रखा है। और इसका जवाब देते हुए भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। वहीं विराट कोहली भी इस शुरुआत का जबरदस्त फायदा उठाते हुए आज अपना शतक लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इन खिलाड़ियों के तूफान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और एडम मार्करम में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने आज शुरुआती झटकों से उभरते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसमें अफ्रीकी कप्तान तेंबू बाउमा और रसी बेडर हुसैन ने बेहतरीन शतक लगाकर अपनी टीम का स्कोर 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 40 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए शानदार लय में दिखे, भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। वहीं वेंडर हुसैन ने 96 गेंदों में ही 129 रन बनाकर सनसनी मचा दी। और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिया। उन्होंने दो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन काफी समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं और अपनी इस वापसी को धमाकेदार बनाते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि शिखर धवन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए महज 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन बनाकर आज जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने अपनी इस पारी में 7 बेहतरीन चौके भी लगाए और सभी क्रिकेट प्रशंसकों को वो एक बार फिर से पुराने वाले धवन दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और वो भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर एडम मार्करम ने उनका विकेट लेकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली ने आते ही चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। और आपको बता दें कि विराट कोहली लगभग 7 साल बाद केवल एक बल्लेबाज के तौर पर आज मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो दबाव से मुक्त होकर मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और आते ही चौका लगाकर उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में अपनी शुरुआत की है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी और विराट कोहली भी लगभग 2 सालों से चले आ रहे शतकों के सूखे को खत्म कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मुकाबले में भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।